फ्रेंड्स, मैं मनी, जिसके आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज डे हैगा या पता नहीं कौन सा डे है, डे छोड़ो, मंगलवार है वैसे। और आज जो गीता जयंती का जो शूट करने का डे है वो 11 है, ठीक है। उसके बाद आज की जो वीडियो रहेगी वो पहले मैं हरियाणा दर्शन करवा दूंगा, उसके बाद गुरदास मान जी कितने बजे स्टेज पे आएंगे, वो VIP एंट्री जो होगी वो 8 बजे होगी, 8 बजे गुरदास मान जी आएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कवर कर दूं, कंफर्म नहीं कहता कि कवर करूं या नहीं करूं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो डांस होने वाले हैं वो यहाँ पे होने वाले हैं, स्कूली सारे डांस यहाँ पे होने वाले हैं। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको हरियाणा दर्शन दिखाने वाला हूँ, जो भी हरियाणा कल्चर है वो सारा आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले विशु नहीं, नाम क्या था, नाम मैं भूल गया, 3-4 कमेंट थे उनके, मैं कमेंट भूल गया, सॉरी फ्रेंड्स। चलो हरियाणा दर्शन दिखाते हैं। और सौरभ सिंह कैसा है भाई, सर्व हाय सिंह, सर्व सिंह कैसा है भाई। और दीपेंद्र भाई कैसा है, और कौन था, वर्मा भाई कैसा है। तो चलो, और शॉप नंबर मैं कवर करने वाला हूँ 427 और 100 पता नहीं कितनी है, जो भी है मैं कवर कर लूँगा, जो मुझे दो शॉप नंबर कमेंट आए थे वो कवर करनी है, ठीक है। तो चलो हरियाणा दर्शन स्टार्ट करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आज की वीडियो छोटी रहेगी, और ये और मैं यहाँ पे गुरदास मान जी है वो कवर करने वाला हूँ, रथ के सामने एकदम एंट्री है। तो चलो हरियाणा दर्शन दिखाते हैं, यहाँ से हरियाणा दर्शन, विरासत हरियाणा विलेज, पर पहले था कि हरियाणा दर्शन के नाम से था। तो आज आप देख सकते हो, कल मैंने जब ये रात को दिखाया तो यहाँ की तैयारी चल रही थी, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से हम एंट्री करते हैं और एक साइड से शुरू हो जाएंगे, एकदम स्टेज के सामने आपको कल्चर मिलेंगे, स्कूली डांस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अभी ये देख सकते हो, अभी ये सिंगिंग कर रहे थे और इतने मैंने अभी स्टार्ट किया, अभी जो टाइम हुआ वो 5:30 हुए हैं और 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पुराने टाइम की जो चादरें बनती थी, कंबल बनते थे, वो कैसे बनते थे ये आप देख सकते हो, ठीक है। आज के जो वीडियो है वो सारे कल्चर हरियाणवी कल्चर सारा दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो चादर, ये अभी बना रहे हैं, और ये देख सकते हो पहले ऐसे ही सेम ऐसे ही वर्क करते थे और ऐसे ही जो चलते थे, अभी ये बीच में वर्क कर भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, और अभी इसका सेटअप भी बिठा रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये मटके मुटके, ठीक है, ये सारा कंबल के खद्दर कैसे बनते थे, दरिया कैसे बनती थी, दरिया कुछ ऐसे पर्पज़ में बनती थी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये सारी दरिया दुनिया कैसे बनाते थे, ठीक है। ये सारी डोल्स, ये देखो पहले टाइम पे जो दरियाँ थी वो मशीन से नहीं, हाथों से बनती थी, ठीक है। अभी इनके ऊपर प्लेट्स भी लगनी है, अभी बल्कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी रहता है ये, ठीक है। और पुराने टाइम के हल कैसे होते थे ये आप देख सकते हो, ये सारी अब आज की जो वीडियो है इसी के ऊपर निर्भर है, ठीक है। आपको सारे दिखाने हैं कि हरियाणा दर्शन बल्कि हरियाणा कल्चर इस बार, पिछली बार था हरियाणा द्वार, इस बार इन्होंने आपने एंट्री में पढ़ लिया, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था, ठीक है, आप देख लेना है। तो मेन है कि हरियाणा का सारा कल्चर आपको इसमें दिखाने वाला है, ठीक है। ये पुराने टाइम की जो कुर्सी होती थी ऐसे होती थी, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, जो मतलब कि जो गड्ढे गुड्ढे पे लगते थे, हल हुल लगते थे, ये सारा सिस्टम ऐसा रहता। उसके बाद ये टोकरे कैसे बनाते थे और टैकरे होते कैसे थे, ठीक है। टोकरे जो तूत से बनते थे, तूत क्या होता है इंग्लिश में मुझे पता नहीं है, ठीक है। ये बनाने की प्रक्रिया ऐसी कुछ होती थी। कल भी मैं शूट करूँगा, जब मैं कल शूट करूँगा तो ये जल्दबाजी में कल शूट करूँगा, क्योंकि कल जो प्रैक्टिकल जो है वो दिखाऊँगा आपको। आज जो आप चेक कर सकते हो कि ये इसमें अभी कलाकार और आने हैं, आज से ये शुरू होगी है गीता जयंती। और ये वो सिस्टम है जिसमें ये पानी पुनी लेके जाते थे या फिर कोई सामान उठाना था, वो यहाँ पे सिस्टम रहता है ये सारा। बाकी अभी इनका कुछ लिखा भी नहीं है, मुझे भी हरियाणा के बारे में पूरा नहीं पता। बाकी ये लोक है, ठीक है, ताले तुले जो पुराने टाइम के होते थे, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ये सारे ताले है, ये आप देख सकते हो, ये ताले है, लोक है पहले टाइम का, ये देखो लोक कितना बड़ा है, ठीक है ना, ये सारे लोक है, ठीक है। और ये जो कुएं में से पानी निकालते थे, ये वो वाला सिस्टम है, ठीक है ना, जो कुएं में से पानी निकालना हो गया या फिर दूध दाल डालने जाते थे, वो ये वाला सिस्टम सारा रहता था, ठीक है। ये आप देख सकते हो, जो पुराने टाइम के लोहार होते थे वो ये सामान ये सारा हाथों से बनाते थे, ठीक है। ये ऐसे गिट्टी गुट्टी लगी होती थी और ऐसे रहते थे सेम टू सेम, ये आप देख सकते हो, हुक्का पूरा गर्म गर्म करके, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से परचेज़ करनी है तो परचेज़ भी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं कि ये परचेज़ नहीं होगी। जहाँ पे एग्जिट है, ठीक है ना, विरासत हरियाणा विलेज, मतलब इस बार इन्होंने नाम रखा है विरासत हरियाणा विलेज, ठीक है।
तो ये हुक्के वाला जुगाड़ आ गया, ठीक है, आप देख सकते हो हुक्का। तो अभी ये प्रोफेशनल अभी और चल रहेगी, इसमें और सेटअप होगा, इसमें नंबर प्लेट बन के आएगी, बकायदा सारा कुछ लिखा जाएगा। और ये बैल के आगे जो हल लगाते थे ये वो है, जैसे दो बैल होते थे उनके ऊपर हल जो लगाते थे, ये इनसे लगाते थे, और हल आपने पीछे देख लिए, ठीक है। ये हुक्के जो ताऊ पीते थे, ये हुक्के अभी भी चलते हैं गाँव में, अगर देखोगे तो ये कई जने अभी भी हुक्के पीते हैं, तो वो थोड़ा दिखा भी देते हैं। जी आप चेक कर सकते हो, ये पग बनने के बाद जी आप चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो ओवरऑल, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ एंट्री है, ये कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है बताओ, गाड़ी बढ़ाओ पता नहीं क्या है कुछ ऐसे है। ये लिखा हुआ पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं जा रहा क्या है, क्या लिखा है, पगड़ी बनाओ 100 रुपये, पगड़ी लेके जाओ अपनी, अच्छा अगर सिर्फ बंधानी है तो 100 रुपये है, अगर लेके जानी है तो 300 रुपये है, बंधा के लेके जानी है। बाकी यहाँ पे LED लगी हुई है, सारा कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये हम कल्चर में जा रहे हैं, जो इसमें आपको शो किया हुआ है, ये सारा कुछ शो किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे एंट्री है नहीं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी सेटअप होना है, ये सारा पुराने टाइम पे ये कैसे ऊँट आठ, ये कैसे बैलगाड़ी रेस होती थी, और कैसे एक जगह से जाते थे, कैसे हल जोतते थे, ठीक है, ये आप सारा लेके जाते थे, ये A to Z कैसा है भाई, ये आप देख सकते हो पुराने टाइम के, जब कुएं से पानी निकालना या खेतों में पानी देने का सिस्टम कुछ ऐसा था, ये आप देख सकते हो। ये मैं आगे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये लाइट के कारण अच्छे से नहीं दिख रहा था। और हाँ, ये आड़े जिसको हम तो आड़े कहते हैं, जैसे खेत जोतने और खेत को बाना, ये सिस्टम कुछ ऐसा रहता था। ये लुक इन्होंने ओवरऑल सारा दिखाया हुआ है, मैं आपको सारा A to Z दिखाऊंगा। ये ब्रह्म सरोवर का दिखाया हुआ है, कितनी भीड़ होती है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सारा इन्होंने पट्ठे पुट्ठे कैसे मतलब कि पहले टाइम लेके जाते थे, अब ये मुझे ये नहीं पता कि आपको क्लियर दिख रहा है, अब देखेगा क्लियर, ठीक है। ये आप पुराने टाइम पे, अभी गाँव में कई जगह ये ऐसे हुआ अभी भी है, ठीक है, जिसमें वाकई देखने का मज़ा आता है, छप्पड़ों में गाय ना भैंस नहलाते, ये अभी कई जगह है अभी यहाँ पे, ठीक है, अगर आप हरियाणा वाली साइड में आते हो, ठीक है। ये धान कैसे निकालते थे पहले टाइम पे बच्चे, और जो नहरें जाती थी, नदियाँ जाती थी, उसमें नहाते थे, ये तो बल्कि अभी भी करते हैं, क्योंकि नहर में नहाते हैं ये वगैरह वगैरह, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह जाना, छप्पड़ में को भैंसों को नहला के लाना, दंगल अभी भी कई जगह होते हैं, ठीक है। ये बाबा रामदेव का कुछ जुगाड़मेंट है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये मटके कैसे बनते थे पहले टाइम पे, अभी भी ऐसे ही बनते हैं, पर कई अभी मोटर आ गई, मशीन आ गई ना, तो अभी मशीनों से भी बनते हैं कई, ठीक है जी। आप चेक कर सकते हो, जी आप सारा जुगाड़मेंट देख सकते हो। ये होली खेली जाती थी, ठीक है ना, मतलब कि बांध के वो चुन्नी को लपेट के मारना, और ये टूटे, अब तो ये मॉडर्न जमाना हो गया, ठीक है। ये पट्ठों की मशीन, अरे पट्ठों की मशीन सही दिखो, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं आपको हरियाणा के मतलब कि हरियाणा विलेज दिखा रहा हूँ, हरियाणा का गांव, ठीक है। ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा क्योंकि लाइटें लूटें चल रही है ना, तो कोशिश है कि आपको दिखा पाऊँ। ये मेलों में जब ऊँट डांस डूंस करते, घोड़ियाँ नचाते थे, ठीक है, एंजॉय करते थे, ये A to Z आपको दिखाते थे, ठीक है। अभी मैं आपको डांस भी दिखाऊंगा जो चल रहा है स्टेज पे, क्या चल रहा है। ये मोर पहले गांव में ऐसे कॉमन नहीं मिलते थे, अब तो मोर देखने को बहुत मुश्किल हो चुके हैं। ये ऊँट, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इसमें सब में मज़ा आएगा देखने में। और ये बजाने वाले ड्रम, ठीक है, और ये आप देख सकते हो हरियाणवी में मतलब कि इन्होंने निकाची की हुई है, मतलब कि बनाया, कितना खूबसूरत है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इधर हरियाणवी कल्चर अभी चलेगा, अभी चल रहे हैं ये दरवाज़ा पुराने टाइम का, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, मैं आपको पूरा हरियाणा के दर्शन पूरे दिखा रहा हूँ, ठीक है। शाम को ये तैयार कर रहे थे, कल की वीडियो अगर आपने नहीं थे तो देख सकते हो, ठीक है। ये बैठिंग की सीटिंग है, और डांस डूंस सारा आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। अभी ये हरियाणा कल्चर के जो मतलब कि सिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, और इधर बैठे हुए हैं, इनका डांस भी होगा, जो होगा मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, और जहाँ स्कूली डांस भी अभी यहाँ पर होने वाले हैं, वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और चलो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। इधर आप देख सकते हो सारी ऑडियंस बैठी हुई है, ये देखने वाली कई फोटो में खींच रहे हैं, और आज ही ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे, तो हम आगे जा रहे हैं फ्रेंड्स। जो हरियाणा विलेज है इस बार, ये क्या मैं भूल गया फिर से, विलेज पुराना हरियाणा विलेज पता नहीं क्या था, जो भी है, ये हरियाणा के दर्शन है कि पहले टाइम पे हरियाणा में क्या क्या होता था। और ये अभी काफ़ी मतलब कि मुझे लग रहा है कि अभी इन प्लेट व्लूट मतलब कि पूरा हिस्ट्री लिखेंगे कि हाँ भी ये चीज़ है, ये वो चीज़ है, वो सारी लिखेंगे। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहो, आपको एंड तक सारी वीडियो दिखाएंगे।
कि आज हरियाणा में क्या क्या है। आप देख सकते हो ये पुराने क्वाइन है, ठीक है, पुराने टाइम के सिक्के जो होते थे, ठीक है। अभी आपको फोकस करके दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहे होंगे, ठीक है। ये सारे पुराने क्वाइन हैं, ठीक है, पुराने टाइम के, ठीक है। ये मतलब कि कौन कौन से चल रहे थे, कौन कौन से है, अभी तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। बाकी आप अगर आप यहाँ आए हो तो आपको बढ़िया है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आप ये देख लो अच्छे से, पहले टाइम के 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के। बाकी ये हिस्ट्री है उनकी, वहाँ पे अच्छी सारी लिखी हुई है हिस्ट्री कि ये कब तक चले हैं, 50 पैसे 25 पैसे कब तक चले हैं, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, पहले ये चलते थे, अभी 1-1 रुपये ये शायद किसी के पास अभी भी होगा, ठीक है भाई। इसको चेंज कर लूँ ना, चेंज कर लूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको ये बुक्स दिखा रहा हूँ जो अभी कलेक्शन है, ये देख सकते हो। पुराने टाइम पे ये सिक्के चलते थे, उसके बाद धीरे 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 चेंज होते गए, ठीक है। ये 1 पैसा, पहले 1 पैसा भी चलता था, ठीक है। अगर आपने किसी ने 1 पैसा यूज़ किया, मुझे कमेंट करके बताने की, अभी हाँ भी आपने 1 पैसा भरता है, 2 पैसे ये मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं कलेक्शन में, भी थोड़ी बहुत करता हूँ, मेरे पास अभी भी है ये, ठीक है। तो अभी ये चेंज कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो 10 पैसा, ये वही है उनकी दूसरी साइड है ये, ठीक है। मतलब कि ये तो 2 पैसे आ गए, ठीक है, ये सारे 2 पैसे 3 पैसे, ठीक है। अगर आपने खर्च किए तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो ये अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, ये बैक साइड से तो खैर ये सारे एक जैसे ही होते थे, ठीक है। ये 5 पैसा आ गया, अगर आपने ओहो भाई कहता मैंने तेरी वीडियो देखी, वीडियो आई नहीं, कौन सी वीडियो देख ली तूने, हैं फ्लोर पेंटिंग की सारी वीडियो आ रखी है भाई, तूने पूरी नहीं देखी, एक नहीं आएगी, गीता जयंती के डे 1, 2, 3 पे आएगी सारी वीडियो आ रखी है। मैं आज वीडियो बनाता हूँ तुरंत डाल देता हूँ, कल सुबह या मॉर्निंग में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये आप सिक्के देखते हो, 5 पैसे देख लिया आ जाएगी, तो ये आप देख सकते हो ये 5 पैसे चल रहे हैं, और वीडियो इसमें आज 10 पैसे, ठीक है। और ये मुझे लगता है ये 25 पैसे तक होएगी, ठीक है। तो ये बैक साइड से, ठीक है, इन्होंने ये अच्छे से मतलब कि साफ करके रखे हुए हैं, जिसके कारण ये चमक रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये बहुत पुराने पुराने कॉइन है, और इनकी कईयों में बोलने भी लगती है, ये मतलब कि महंगे महंगे लाखों के हिसाब से ये जाते हैं ये पीछे से, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड में निकाल रहा हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है, आगे चला जाए। ये आप देख सकते हो, 5 रुपये ये पुराने टाइम के थे ये, ठीक है। ये आप देख सकते हो भाई, थोड़ा ये देख लो 25 पैसा ये मैंने खर्च किए हुए हैं भाई, कमेंट करके बताना अगर आपने खर्च किए हुए हैं। मैंने खर्च किए हुए हैं ये 25 पैसे, ठीक है। जब मैं छोटा था तो हमारे टाइम पे ये 25 पैसे चलते थे, और 25 पैसे अभी मतलब कि बंद हुए हैं, जब 2002 की बात है तब ये 25 पैसे चलते थे, ठीक है, उसके बाद ये बंद हुए हैं, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो, ये 50 पैसे मैंने खर्चे हुए हैं, ये 50 पैसे अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे पास भी अभी ये 50 पैसे हैं, 25 पैसे भी हैं, 25 पैसे पुराने वाले भी हैं, ठीक है। ये 25 पैसे ये तो अभी भी कईयों के पास मिल जाएंगे ये वाले 25 पैसे, ठीक है। और ये वाले मुश्किल मिलते हैं, ये आगे 2 रुपये ये नए मॉडल के आगे, अभी करेंसी देख लो कौन कौन सी है, उससे पहले ये भी चलती है, इनकी वैल्यू अच्छी लग जाती है, ठीक है। 50 पैसे दिखाने के लिए, बेचने के लिए, बेचने के लिए। तो ये आप देख सकते हो 2 रुपये ये वाले पड़े हुए हैं, ये नई करेंसी 2 रुपये आ गया है, अब तो 10-10 रुपये आ गया है, ठीक है। अब नोट की करेंसी दिखा देता हूँ आपको, कौन कौन से खर्चे हैं भाई, करियो चेंज नोट। तो फ्रेंड्स नोट की करेंसी, ये 1-1 रुपया ऐसे आते थे, बहुत पहले के पैसे ये 1-1 रुपया, और ये मैंने खर्च किए हुए हैं और मेरे पास पड़े भी हुए हैं, अगर आपके पास है कमेंट करके जरूर बताना। तो ये 2 रुपये और नए वाले 1 रुपये भी आ गए, इसमें 2 रुपये आ गए, ये आप चेक कर सकते हो, ये 2-2 रुपये, ठीक है। शादियों में तो 1-1 रुपये के हार्ट के नोट आते होते थे, ठीक है, ये 2 रुपये वाले, इसमें ट्रैक्टर वाले भी होते थे, अभी ये शेर वाले 5 रुपये पुराने टाइम के, ठीक है। और ये 10 रुपये आप देख सकते हो, ठीक है, और ये पुराने टाइम के ये 10 रुपये मेरे पास थे,
जो ये 5 रुपये तो अभी भी चलते हैं, अभी कईयों के पास है पुराने 5 रुपये, ठीक है। अभी नए नोट आ चुके हैं, ठीक है, ये 5 रुपये पुराने ट्रैक्टर वाले, उसके बाद ये गांधी वाले आ गए थे, ठीक है। अभी 20 रुपये ये तो कॉमन ही है, ये तो अब ख़त्म हो गए, अभी ये नए 20 रुपये आए हैं, और ये पुराने टाइम के 10 रुपये, ठीक है। एक भाई ने कलेक्शन अच्छी कर रखी है भाई ने, ठीक है, आप देख सकते हो, और ये सारी 10-10 रुपये की कलेक्शन है। ये क्या 50,000 का नोट है, ये कब से आया ये 50,000 का नोट, ये कहाँ का है, कब का है, जब बनाने की सोच रही है सरकार। तो ये 10 रुपये ये नए मॉडल के जो भी है अभी ख़त्म होने वाले हैं, अभी ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे जा रहे हैं, अभी नई करेंसी आ चुकी है तो नई करेंसी चल रही है। ये 500 रुपया पुराने टाइम के 500 रुपया, ये गांधी नोट बंद हो चुके हैं, ये हमने यार खर्च किए हैं, ये भी 500 रुपये मैंने खर्च किया हुआ है। ये 50 और 100 के नोट देख सकते हो आप, पहले कितने बड़े बड़े थे, अब तो 2,000 का इतना नोट है, उससे पहले सबसे पहले 100 रुपये का ये नोट होता था, ये 100 का नोट सकते हो, अभी 5, अभी 100 का नोट, पहले 100 का नोट, अब चेक कर लो, मतलब कि ये सिक्के है, कॉइन है, कॉइन कौन कौन से है, ये कॉइन नहीं पता। तो फ्रेंड्स चलो अब आगे चलते हैं, ये अगर आप यहाँ पे हो ये हिस्ट्री पढ़ सकते हो, सारे लिखे हुए हैं 50 पैसे 10 पैसे, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ टाइम ज़्यादा हो गया। तो फ्रेंड्स ये सारी करेंसी ही है, ये सारी सारी करेंसी है, ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे जा रहे हैं आगे, तो ये 2-2 रुपये 3-3 रुपये जो अभी मैंने पीछे दिखाया है बुक्स में, ये सारे वो ही पड़े हैं, ठीक है। तो ये सारी करेंसी, ये आप देख सकते हो इनकी कलेक्शन है ये, ठीक है, ये पुराने टाइम के है, ठीक है, और ये पुराने टाइम, ये पुराने टाइम के वो चमक कैसे रहे हैं, कलेक्शन करने वाले जो पूछ लो, तो नहीं सर ये बताइए ये पुराने टाइम वाले चमक कैसे रहे हैं। ये चमकने की वजह ये है कि ब्रश में कुछ टाइम के बाद डलनेस आ जाती है। अच्छा अच्छा, लेकिन इनमें पॉलिश की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनमें पॉलिश की हुई है, केवल 2 कॉइन है जिनमें हमने पॉलिश की हुई है, हमने तो नहीं की जहाँ से हमने खरीदे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और सभी नेचुरल फॉर्म में, बाकी ये आप देख सकते हो पुराने टाइम पे ये कितने पैसे होते थे, ये तो हमारे टाइम में थे। अच्छा ये 1 पैसा होता था, ये बासुरी वाले 1 पैसे, ये 1 पैसे, ठीक है, ये सारे 1 पैसे होते थे, ये 1 पैसा, ये वाले 1 पैसे तो मैंने देखे हुए हैं, चलाए नहीं हुए, बाकी ये आप देख सकते हो ये सारे, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं देखना, तो फ्रेंड्स ये इनकी कलेक्शन है, ठीक है, ये इन्होंने इस बार कलेक्शन लगाई हुई है। अब हम आगे जा रहे हैं, तो पुराने टाइम के आपको सारे नोट दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हो पुराने टाइम के सारे नोट, थोड़ा फोकस, ये नए टाइम के आ गए, अरे 20 रुपया नए टाइम का है। तो फ्रेंड्स 20 रुपये हैं जो नए टाइम के हैं, ठीक है, ये नए टाइम के 20 रुपये ऐसे आ गए हैं, बाकी आप करेंसी देख सकते हो इसमें लगी हुई है, पुरानी भी लगी हुई है, नई भी लगी हुई है। जैसे 1 रुपया ये हिरन वाला, ये मैंने बहुत पहले जब हमने चलाने शुरू किए थे, ये 1 बार ही मैंने चलाया था, नहीं ये नहीं था, वो दूसरा 1 रुपया था। तो 2 रुपये देख सकते हो पुराने पहले टाइम के, ये 2 रुपये 3 रुपये ये सारे देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स अब हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं 50-50 रुपये, चलो ये तो सी करेंसी की बात, अब हम आगे चलते हैं इससे भी पहले वाली पुरानी वाली करेंसी 10 रुपये, ठीक है। तो ये हम पुरानी करेंसी दिखाने वाले हैं, जब एक्सक्यूज में देखना थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स ये नया है जो, ये आप देख सकते हो ये कॉइन 1,000 रुपये वाले, 500 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपये, 125 रुपये, ये करेंसी अभी आनी है, आई नहीं है, आ गई होगी कहीं जगह पर, यहाँ पर नहीं आई, ठीक है, ये नए वाले कुछ आने के ऐसे आए, ठीक है। ये इनमें से आपने कौन कौन से खर्चे मुझे कमेंट करके बताएं, बाकी ये वाले तो मेरे पास कलेक्शन में भी पड़े हुए हैं, ये सारे आपको दिखा दिए हैं, ये पुराने टाइम के नोट सिक्के हैं, ये जो मुगल थे तब के, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है कुछ कब के सिक्के हैं ये, ठीक है, ये आप देख सकते हो, बाकी ये सिक्कों की कलेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये तो वैसे ही VIP बैठने के लिए बना रखा है इन्होंने, मतलब कि अगर कुछ खाना पीना है तो शायद, ये अगर आपने हरियाणवी कुछ खाना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये लिखा है हरियाणवी खाना पान, खाना हरियाणवी खाना पान आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, और पर्ची तो दिखा दो भैया, क्यों भैया क्या हो गया, तो भैया वीडियो तो मैं पर्चियों की बना रहा था, हद होगी भैया, ये भैया कह रहा वीडियो नहीं बनानी, कारण तो बताओ क्यों नहीं बनानी, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, यार मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, या तो यह कह दे कि हाँ भी ये लगाई क्यों, देखने के लिए लगाई है ना, तो मैं दिखा ही रहा हूँ, तो भाई कह रहा वीडियो नहीं बनानी, बताओ ये कोई मतलब थोड़ी बनता है वीडियो नहीं बनानी,
तो फ्रेंड्स, तो भाई को लगा मेरी शक्ल दिखा रहा, तेरी शक्ल में चार चांद लगे हुए हैं, अगर दिख गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पुराने टाइम की पीढ़ियाँ हैं, मंजे हैं, जो कि मतलब जो धागा ये खुद ही बना के ये बनाते थे, ठीक है, और ये चरखे से ये सारा कुछ बनाते थे, ठीक है, जो चरखे हैं जिससे ये कपड़ा तैयार करते थे। उसके बाद आप ये चरखे देख सकते हो, सारे मॉडल के कैसे कैसे चरखे होते थे, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ये घर में जो सजावट होती थी, घर में जो सजावट होती है ये इन्हीं से होती थी पहले टाइम पे। ये आप देख सकते हो, ये खुद हाथों से तैयार किए जाते थे, ठीक है। फिर घर के दरवाजों पे टांग लिए, मटकों पे टांग लिए, गाड़ियों पे टांग दिए, गड्ढों पे टांग दिए, सारे यही टंगते थे, ठीक है। उसके बाद टोकरियाँ जिसमें खाना खुना लेके जाना है इधर से उधर, या फिर कुछ खाने वाली चीज़ रखनी, सब्जियाँ रखनी या फ्रूट रखने, वो सारे इसी में ये हाथों से बनाए हुए पे रखते थे, ठीक है। उसका ये सजावट वाले चुंबर, जिसको अब तो चुंबर कहते हैं, अब तो हम क्या कहते हैं, चुंबरी कहते हैं, पर ये पुराने टाइम के चुंबर थे जो अपने हाथों से तैयार किए जाते थे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, अब हम आगे जा सकते हैं। ये तो अभी पेपरों से बनाया, पर वो पहले किसी और से बनाते, ये हल जब पराली पुराली इधर उधर करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हो, ये है सजावट चाल रहे जो गेट की एंट्री में लगते थे, जो गेट की एंट्री में लगते थे ये सारे के सारे, ये आप देख सकते हो, ये गेट की एंट्री में जैसे कहीं कहीं लगाते थे ना पहले टाइम पे, तो घरों को बड़ा सजा के रखते थे, ठीक है। स्विमिंग बाय बाय मनी, तो ये गोहा गाहा इकट्ठा करने के लिए, गोह के साइड में करने के लिए, तुड़ी को फलो फरोलने के लिए, ठीक है, आड़े उड़ो के लिए गोहा इकट्ठा करके डालने के लिए, या खोदने के लिए, कहीं पहले पहले टाइम की कहीं 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 आप पता नहीं क्या बोलते हो, आपने देखी है या नहीं देखी, पर ये हमने अभी भी देखी है, तो बड़ी बड़ी है, बस हमने छोटी देखी है जो हमारे हाथ में चलती है, मैंने चलाई भी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो पंखियाँ, पहले टाइम पे लाइट चली जाती थी और वैसे इतनी गर्मी होती नहीं थी, पर आप ये देख सकते हो पहले टाइम पे पंखे खुद हाथों से तैयार करते थे, और पहले गर्मी इतनी होती नहीं थी, पंखियों से सर जाता था, ठीक है। उससे पहले पुराने ज़माने के पंखे ये देख सकते हो, बड़े जो राजों को झलते थे, ठीक है। उसके बाद शॉल आ गए, जो कि ये खुद ही तैयार करते थे, ठीक है। ये आप देख सकते हो सारे, ये क्या है, ये शायद मोरे हैं घर में डिज़ाइन निकालने के लिए ना, ये जो आप देख सकते हो ये डिज़ाइन निकालने के लिए करके, जैसे ये दीवार पे सैंपल भी लगाए हुए हैं, ये देख सकते हो घर में दीवारों पे डिज़ाइन इन्हीं से लगते थे, ये खुद बनाए बनाते थे ये, ठीक है। ये आप देख सकते हो, जा जूम करता हूँ मेरे पिक्सल फटते क्योंकि अंधेरा हो चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हो पहले टाइम पे दीवार घर में ऐसे खुद सजावट करते थे, ठीक है, फर्शों पे भी करते थे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, और ये आप सारा चेक कर सकते हो, और उसके बाद वो जो जहाँ वहाँ ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हल हुल खड़े किए हुए हैं, ये सारा खड़ा किया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। अब रस्सी पे ये अभी अपना करतब दिखा रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप चेक कर सकते हो, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और बाकी देखने वाले सारी ऑडियंस आई है, जो फोटो भी खिंचा रही है रथ के पीछे, ठीक है। अब हम एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ओवरऑल जो मैंने हरियाणा क्या कहते हैं विलेज दिखा दिया है, पिछली बार हरियाणा विलेज ज़्यादा मतलब कि बड़ा था और बेटर था, आज की रेटिंग में देखा जाए, मतलब कि जो मेरा ओपिनियन है ना, जो मैंने पिछली बार देखा था, तो यहाँ से अभी स्टार्टिंग है, आज पहला दिन है, तो धीरे धीरे और इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, आप टेंशन ना लो। लास्ट की गीता जयंती 8 तारीख को मैं ओवरऑल सारी दिखाऊंगा, जो कि वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी कोशिश रहेगी कि आपको सारा कुछ दिखाता रहूँ। अब हम कहाँ जाएंगे, मैं आपको बता दूँ कि अब हम जाएंगे स्कूल के डांस जहाँ होंगे, और अब हम जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे पहली बात तो हमें कमेंट कवर करने हैं, दूसरी बात कि जहाँ पे गुरदास मान जी अभी सिंग करने वाले हैं वहाँ पे एंट्री फ्री है, और वैसे अदरवाइज आपने VIP एंट्री लेनी है तो वहाँ पास है, और अगर मीडिया के लिए भी अलग से पास है, तो ज़्यादा तरले अपने से पाए नहीं जाते, मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। आपको दिखाना है, दिखाने का कोई जुगाड़ कर लेंगे, या किसी से वीडियो ले लेंगे, और या फिर मैं खुद शूट करूँगा, क्योंकि इसका अच्छा फोकस है, अच्छा जूम है, और मैं आपको दिखा दूँगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं बाहर, ठीक है, एंट्री उधर से है जहाँ से रथ है, और एग्ज़िट यहाँ से है, यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको मैं बाहर से दिखा दूँगा कि एग्ज़िट कहाँ से है। एग्ज़िट के बीच में एकदम पिलर है, एकदम पिलर, ये हम हो गए एग्ज़िट, यहाँ पे मैंने बोला था एंट्री है, वहाँ पे एंट्री नहीं थी, वहाँ से एग्ज़िट था, ठीक है। इसके सामने लगा हुआ ये सारा इनकी हिस्ट्री लगी हुई, जो मैंने आपको जल्दबाजी में दिखाई थी, तो ये भी दिखा देता हूँ, कैसे भाई, ये भाई देख सकते हो, शुक्रिया। हाँ, और इसके इन्हें में ड्राइंग में से कौन फर्स्ट आया फ्लोर पेंटिंग में, मुझे कमेंट आया था कि F15 कहते फर्स्ट आया, उसको 25,000 रुपये मिला, अच्छा मतलब कि कमेंट आया था, बाकी पता नहीं है, हमारा सर्टिफिकेट यार मेरी वीडियो तो तुम डालते नहीं, अच्छा तेरी वीडियो डालते, चेक कर सारी डली हुई है। क्या आप हरियाणा विलेज
देख लेते हो, जैसे आप एग्जिट के ये बाहर का गेट है, यहाँ से एंट्री भी कर सकते हो। दो गेट है यहाँ के, बल्कि टोटली इन्होंने तीन बनाए हैं, ठीक है। आप कल देखोगे तो आपको और बड़े मजा आएगा। उसके एकदम सामने ये वाला लगा हुआ है जिसमें आपको सारा कुछ दिखाया गया है। चलो इसके अंदर भी आपको दिखा देते हैं, ये आप पढ़ सकते हो 2019। तो अब जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं। इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड ये है, थोड़े स्किप। सारी नदी दिखाई गई है, सरस्वती नदी देखना, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये जैसे आप एंटर करोगे सरस्वती नदी आपको पूरी दिखाई गई है इसमें, ठीक है। तो ये आप मैप भी पीछे लगा हुआ है, तो इसमें ऊपर से क्लियर नहीं दिख पा रहा, उसके लिए सॉरी। तो चलो अब आगे चलते हैं। आगे मैंने ओवरऑल ये सारा दिखा दिया है, तो मैं ये थोड़ा फास्ट दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा फास्ट दिखाऊंगा आपको, सॉरी उसके लिए। ये थोड़ा बैक, ओके। तो अब मैं ये फास्ट फास्ट दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और वीडियो लंबी है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर एंट्री करते हो तो आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। ये प्राणी की कला, ये कहाँ पड़ी है, और ये सारा कुछ, इनकी हिस्ट्री सारी बताई हुई है कि कुरुक्षेत्र में क्या क्या हुआ है, पहले कुरुक्षेत्र कैसा था, उसके बाद क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ये सारा कुछ दिखाया गया है इसमें, ठीक है। ये कैमरे में ये देखो कैमरे भी लगे हुए हैं, ये मेरा आ रहा है, ठीक है। तो ये बीच में चेंज कर रहे हैं, तो चलो हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे डिस्प्ले लगी हुई है, यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रामायण के बारे में कि गीता में सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। गीता श्लोक है ये सारे के सारे, बीच में इन्होंने क्या क्या काम किया कुरुक्षेत्र के लिए, वो सारा कुछ दिखाया हुआ है, ठीक है। ये हरियाणा के उसके एकदम सामने, हरियाणा दरबार के सामने, और ये मेट्रो, आई थिंक मेट्रो ही है ये, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेट्रो ट्रेन है शायद, हाँ ये मेट्रो ही है, मेट्रो ही है, ठीक है। ये मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, ठीक है। पीछे आगे दोनों ड्राइवर होते हैं, तो चलो अब आगे जाते हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सारा देख सकते हो इधर, ऐसे सिस्टम सेम इधर ही है, ठीक है। वो बाइक है, बाइक को दिखा दिया जाए थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी है, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ठीक है। अगर आपने कुछ पुराने के बारे में पूछना है तो यहाँ से आपको पूछने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। और ये बाइक है, कुछ सिस्टम इन्होंने तैयार किया गया, ये बाइक है, ठीक है। और अगर आपने इसको कुछ पूछना है यहाँ के पूछ सकते हो, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, बाइक तैयार की गई है, ये जानवी बड़ी, ठीक है। इसमें कुछ इन्होंने इंजन उंजन सेट करके, ये खुद ही ये साइकिल जो नया साइकिल आया ना उसको बाइक में तब्दील किया गया, ये हैगा एक साइकिल ही है, ठीक है, ठीक है। एक के फोटो सामने लगाई हुई आगे, आगे लाइटें लगी हुई है, पीछे बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ ना, ये आप देखा हुआ जी, चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इधर भी कुछ साइंस रिलेटेड ही हुआ, सोलर सिस्टम का बारे दिखाया हुआ है। अगर आपने कुछ पूछना है यहाँ आ सकते हो, यहाँ काउंटर नंबर लिखे हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, ऐसे आपको ऊपर काउंटर नंबर भी लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आप चेक कर सकते हो आगे तक, अगर आप इधर भी है, ठीक है। इधर सोलर प्लांट सारे लगाए हुए हैं, अगर खेतों में सोलर लगाना हो उसका सारा कुछ दिखाया, अगर आपने पता करना है कुछ यहाँ आगे देख सकते हो, पर अपने पास इतना टाइम नहीं है। पर ये आप देख सकते हो कि जैसे ये सोलर सिस्टम सारा दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे पानी गर्म होगा, कैसे ये सारा सोलर के हिस्से सिस्टम में दिखाया है कि खेती में कैसे हम उनके प्लांट को फिट कर सकते हैं, इस प्लांट का बेनिफिट क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी कैसे छिड़काना है। ये देख सकते हो ये घूम रहा है, ये पानी छिड़क रहा है, ठीक है। उसमें भी फसल मतलब झोना पक गया है, पकने वाला हो गया, कट जाए कटा जाऊँगा, ये सब्जी बिजी हुई है, ठीक है। ये सारा प्लांट बताया हुआ, अगर आपने बाकी जानकारी लेनी है मैं आपको काउंटर दिखा देता हूँ। काउंटर है 31 नंबर, काउंटर नंबर 31 है, 32 है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये काउंटर है और इसका ये कुछ हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है। फिश आपको दिखा देता हूँ, इस एरिया में आपको फिश भी देखने को मिलेगी, तो ये आप चेक कर सकते हो। ओ फिशिंग मशीन किसके मगर लगी हुई है, टैंक गंदा कर दिया, कल साफ हो जाएगा टैंक। टूडू इधर बड़ी फिश है जो गंदे पानी में रहती है, या फिर पानी गंदा है, ठीक है। ये सारा कुछ बताया हुआ है, फिश की प्रजाति के बारे में बताया हुआ है, इधर योगा के बारे में बताया गया है, ठीक है। बाकी इधर अनाज कैसे बुट्टा उगाना है, कैसे नहीं उगाना, तो चलो अब आगे चलते हैं हम। सारा कॉन्सेप्ट लगे इधर स्कूल बस है, ये तो ये स्कूल बस के बारे में लगा हुआ कॉन्सेप्ट, इधर साइंस के बारे में ओवरऑल बताया गया है, साइंस के बारे में कि क्या डेवलप हो रहा है, सोलर कुकर टन। तो ये आप फ्रेंड्स देख सकते हो खेती बाड़ी के अंदर, अगर आपने कुछ समझना है तो यहाँ आ सकते हो, आप घूम सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पेड़ पौधे पता नहीं क्या क्या सीन है, और इसमें काउंटर नंबर लिखे हुआ है, काउंटर नंबर आप देख लेना। और अभी जो आपने बाइक दिखी है उसकी वीडियो मैं इंडिविजुअल भी बनाऊंगा, टेक्निकल लवली मनी चैनल पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। वो वीडियो अभी BSNL वाले जिनका जियो जियो BSNL वाले भी कुछ प्लान्स मिल जाएंगे यहाँ पे आके। और ये साइकिलिंग सुकलिंग योगा जुगा इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे है कि अगर आप साइकिल चलाते हो उसका बेनिफिट क्या होगा, सोलर सिस्टम बढ़ाओ। यहाँ पे कुछ है पता नहीं क्या है, कुछ है बल्कि ये है, अगर साइकिल चलाओगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, एक तो एक्सरसाइज होएगी,
और उससे शायद आटा पिस जाएगा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो कुछ जिगरी बना रखे हैं उन्होंने। तो चलो फ्रेंड्स आगे चलो कि आपको हरियाणा की जो विलेज है वो अच्छा लगा होगा। अभी शॉप नंबर हम 427 पे आ गए हैं, मैसेज आ गया 427, तो चलो 427 नंबर शॉप दिखा दे। 427 नंबर शॉप, ठीक है। इनका भैया का कमेंट आया था, अभी ये दिख नहीं रही, ये 427 नंबर शॉप है, दिख जा। और यहाँ गाने भी चल रहे हैं, ये 427 नंबर शॉप है, भाई का कमेंट आया था। भाई की ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है, जहाँ से चूड़ी चूड़ी हैं, ये आई थिंक भाई ने कमेंट किया होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, चूड़े भी है यहाँ पे, सब कुछ है, कंगन भी है, दिखा देता हूँ मैं थोड़े से। ये देख सकते हो आप, ये आप देख सकते हो, देख सकते हो। ये भैया कितने से स्टार्ट हो जाते हैं, कितने से एंड है, कितने से स्टार्ट होती है ये चूड़े? 100 रुपए से स्टार्ट, मतलब 100 रुपए ओवरऑल सेल ही लगा लो, किस्म की 100 से स्टार्ट है और 100 से एंड है। ये 100 के ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना, ये आप चेक कर सकते हो। तो ये है 427 नंबर शॉप, ठीक है। ये शॉप नंबर, अगर ये बारकोड स्कैन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी शॉप कौन सी है, ये बारकोड सारी जगह शॉप पे। 427 नंबर शॉप, ठीक है, कमेंट आया था कवर। और उसके बाद 100 कुछ नंबर शॉप का आया है, वो कवर करेंगे। उसके बाद जहाँ पे गुरदास मान जी आने हैं वो दिखाऊंगा, पर गुरदास मान जी आने हैं 8 बजे और आप 8 बजे तक रुकेंगे नहीं। तो बाकी अगर होता है, क्योंकि मेरे पास पास नहीं है, अगर मैं पीछे से शूट भी करूँगा तो इतना अच्छा शूट आएगा नहीं, बाकी मैं भी ट्राई करके देख लेते हैं कैसा शूट आता है कैसा नहीं आता। तो चलो अब आगे जाते हैं, और आज की जो वीडियो है, आज छोटी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे गुरदास मान जी लगे, मतलब कि जहाँ पे गुरदास मान जी ने सिंग करना है, और अभी हम आगे जा रहे हैं वहीं पे। और भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आपका चैनल सुन नहीं क्या, तो आप क्यों ये कवर कर रहे हो? तो हम कवर इसलिए कर रहा हूँ भाई मेरे, क्योंकि इस चैनल पे जब मैं स्टार्टिंग किया था ये चैनल, तो जो सब्सक्राइबर है वो मेरे गीता जयंती वाले हैं, जो कि गीता जयंती देखते हैं। मैंने 3 साल हो गए मुझे कवर करते हुए गीता जयंती को, और 3 साल हो गए मुझे वीडियो डालते हुए, मतलब कि गीता जयंती की, तो है मेरे सब्सक्राइबर, तो उनको देनी पड़ती है ये वीडियो बना के, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने मेरा साथ दिया था, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था, तभी मैं आज यहाँ तक हूँ। तो इसीलिए मैं ये गीता जयंती की वीडियो कवर कर रहा हूँ। और स्विमिंग का सीज़न ऑफ है, तो ऐसे वाले स्विमिंग कोई सर्च नहीं मारता, तो वैसे मैं वीडियो डालता नहीं हूँ, आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, 2017 की भी वीडियो है गीता जयंती की, ठीक है। ये पीछे बज रहे हैं पिपड़ियाँ, बजा रहे हैं ये पीछे, तो इसका बेनिफिट ये है कि मेले का एहसास होता है कि मेला चल रहा है, बढ़िया वाला मेला चल रहा है, ठीक है। तो बस अभी लाइटिंग शो चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, और लाइटिंग शो की मैंने वीडियो बना के डाल दी है, ठीक है। इसमें 2 शो चलेंगे, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो पे देख सकते हो, मैंने लाइटिंग शो डाल दिया है। तो बस अभी हम आगे जा रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज की वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा, मतलब कि अभी तो मेन गीता जयंती स्टार्ट होगी, तो ओवरऑल वीडियो लंबी ही बनेगी। मैं जितना मर्जी चालू की छोटी 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 करूँ, पर वो फिर भी ओवरऑल लंबी हो ही जाती है, 1 घंटे की तो आसानी से हो जाती है। क्योंकि अब जैसे मैंने हरियाणा के जो अभी दिखाया, मैंने हरियाणा विलेज दिखाया है, पिछली बार वो हरियाणा दर्शन थे, ठीक है, और इस बार वो प्राचीत हरियाणवी विलेज दिखाया गया है। और अभी आपको मैं यही बोलूँगा कि अगर आप हरियाणा नेक्स्ट संडे आपको ज़बरदस्त वीडियो मिलनी है, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि मैं कम बनाऊँ, मतलब कि वीडियो कम लंबी बनाऊँ, कोशिश करता हूँ, पर हो नहीं सकती, कोई बात नहीं, आपको जितनी पसंद है, जितनी आपने देखनी है आप उतनी देख सकते हो, जरूरी नहीं आपने पूरी देखनी है, पर मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं एटलीस्ट आपको पूरी कवर करके दिखाऊं जितनी मेरे से हो सकती है। तो चलो अब स्किप कर लेते हैं थोड़ी सी, नहीं तो लंबी हो जाएगी। अभी हम 7 नंबर गेट के पास पहुंचने वाले हैं, 7 नंबर गेट से हमने एग्जिट कर जाना है, 7 नंबर से हमने बाहर निकल जाना, उसके बाद हमने मैंने स्किप कर देना है, सीधा हॉल के पास जाएंगे। और हॉल के पास जब मैं निकलूँगा तो हॉल के अंदर की क्या स्थिति है, कहाँ से एंट्री हो रही है, कहाँ पर क्या है, वो मैं चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल आप शॉप्स देख सकते हो, हम आगे चल रहे हैं और आपको मैं शॉप्स दिखा रहा हूँ। और शॉप नंबर अभी आप देख सकते हो, शॉप नंबर रात को दिखते नहीं है, उसका लिए कोई हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि शॉप नंबर रात को दिखते नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ आगे ही जा रहे हैं। तो हम आगे ही जा रहे हैं बस, ये सिर पे डालने वाले क्लिप, तो अभी हम आगे जा रहे हैं। ये यहाँ से 7 नंबर गेट एग्जिट है, तो अब सीधा आपको मिलेंगे हम वहाँ पे, जहाँ पे एंट्री यहाँ से है, ठीक है, और 2 जगह से एंट्री है, उधर से और इधर से। मैंने सिर्फ अंदर का दिखाना है और मैं बाहर आ जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ देर अंदर रुकूँगा नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं हो, तो क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है और वीडियो और आगे भी बनानी है। यहाँ पर चेकिंग सारी अच्छे से होती है, आप बैग बुक अंदर लेके जा सकते हो, पर चेकिंग अच्छे से होगी, ठीक है, और सिक्योरिटी अच्छी है, होनी भी चाहिए,
ठीक है, अगर इतना बड़ा मेला है तो फ्रेंड्स अभी अंदर का कैसी ना वो बना के मैं दो मिनट में बाहर आ जाऊँगा। तो अंदर का आपको एरिया दिखाता हूँ, आपको एंट्री कहाँ से करनी है और पूरी चेकअप चल रही है, पूरी चेकिंग होके जाएगी अंदर, आप ऐसे नहीं जा सकते और पता नहीं क्या क्या है। तो अंदर जाके कितनी भीड़ है, कैसे सेटअप है वो सारा दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो VIP है वो सारे यहीं पे आने वाले हैं, मतलब जैसे गुरदास मान जी हो गए, ये सारी की एंट्री यहीं पे होंगी, मतलब कि यहाँ पे सिंगिंग और स्कूल का डांस होगा जहाँ पे हरियाणा दर्शन लगे, हरियाणा विलेज लगा है। तो अभी अपनी चेकिंग आ गई है, तो ये अपनी चेकिंग चल रही है, तो अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर का सीन दिखाएंगे, तुरंत बाहर आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम हमने लगाना नहीं है। और मशीन लगी है, कुछ अपने हथियार उतर लेके जाने और ये काम जहाँ बढ़िया चल रहा है ये चीज़ होनी भी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। और हाँ, अगर कॉपीराइट रहेगा तो मैं बंद कर दूँगा। बैक एंट्री है, ठीक है, और स्टेज पे अगर आप पीछे बैठते हो, आगे बैठते हो, तो ये आप स्टेज देख सकते हो। ये मैं कवर करूँगा 8 तारीख को, ठीक है। तो ये एंट्री है, ठीक है, यहाँ पे ये सारी ऑडियंस है, ठीक है। तो अभी ये गा रहे हैं खुद, ठीक है, यहाँ पे एंट्री है, एंट्री इधर से भी है और इधर से भी एंट्री है, दोनों जगह से एंट्री है। तो चलो, बैक में सिंगिंग है, गुरदास मान जी ने यहीं पे आना है, 8 बजे आएंगे। ओवरऑल जितने भी सिंगर हैं वो 8 बजे ही आएंगे, और अभी कुछ सुन रहा है नहीं सुन रहा है ये मुझे पता नहीं है। और अभी हम चलते हैं बाहर, और बाहर जाके जो वीडियो रहती है वो दिखाता हूँ और उसके बाद एंड करेंगे। चलो बाहर से एंट्री है, वहीं से एग्जिट है, और जो मीडिया के लिए है वो पता नहीं कहाँ से है, यहीं से एंट्री और यहीं से एग्जिट है, एग्जिट शायद यहीं से ही है क्योंकि मैं अभी यहीं से अंदर गया था, यहीं से बाहर आया हूँ। बाकी फ़िलहाल एग्जिट कहाँ है मुझे नहीं पता। अब एंट्री का है कि एंट्री में आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी और पल्ली साइड एंट्री मिलेगी, ठीक है। और अभी गुरदास मान जी जो जितने भी सिंगर है वो आएंगे 8 बजे, बल्कि उनका टाइमिंग जो रहेगा वो 8 बजे आएंगे। अगर आपने गुरदास मान जी को देखना है या सतेंद्र सरताज जी को देखना है तो वो 8 बजे आएंगे, तो आपको मेरे हिसाब से 8 बजे आना चाहिए। अगर आपने सीट आगे की लेनी है तो आपको पहले आना पड़ेगा, मतलब कि आपको पहले आ जाओगे तो आपको सीट आगे मिल जाएगी, नहीं तो आपको सीट पीछे मिलेगी। और हाँ, जो भी बाहर चल रहा है आप बाहर खड़े होकर देख सकते हो, ये स्क्रीन है जहाँ बहुत रोशनी है, मैं आपको बैक कैमरे से परफॉर्मेंस चल रही है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप बाहर खड़े होकर भी देख सकते हो कि अंदर कौन है कैसा है। तो वापस जा रहा हूँ अंदर, ठीक है, और मैंने एक बार लाइव फोकस हुई वीडियो बना के देखी, अब मैं अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने हैं, अब हमने अंदर जाना वापस, ठीक है। आज सारी भीड़ लगभग इधर ही है, ठीक है, और इसीलिए अंदर थोड़ा कम है, भीड़ कम है, तो अभी बैक साइड में बहुत भीड़ है। अभी होल पंडाल भर रहा है, ठीक है, क्योंकि गुरदास मान जी को देखने के लिए काफ़ी जने आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं गीता जयंती के अंदर, चलो आप अंदर मिलेंगे। अंदर आ चुके हैं और अब हम आगे जा रहे हैं, और जो मैंने वहाँ पे आपको दिखा दिया कि पंडाल में अगर आपने जो आप अगर आप गुरदास मान जी के फ़ैन हैं तो आपको 8 बजे मेरे हिसाब से 7 बजे आना पड़ेगा। 7 बजे आ जाओगे तो आपको क्या होगा, बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको सीट आगे मिल जाएगी। अगर आप लेट आओगे, 8 बजे आओगे, एंट्री तो फिर भी हो जाएगी पर वो आपको एकदम पीछे सीट मिलेगी। बस यही बेनिफिट है कि अगर आप 7 बजे जाते हो तो आपको सीट आगे मिलेगी, और 8:30 बज जाएंगे उनको आते हुए, अगर आप 8 बजे आओगे तो आपको पीछे बैठना पड़ेगा। और इतना कुछ खास ना होगे तो इतना भी नुकसान नहीं होगा, पीछे बैठोगे। अगर आप और ज़्यादा लेट आएंगे तो आप बाहर से पहले, अगर आपको लेट आ गए या जल्दी आ गए तो आप बाहर से जज कर सकते हो कि आगे है या नहीं आया, क्योंकि बाहर भी स्क्रीन लगी हुई है। मेरे हिसाब से बाहर आपको ज़्यादा बढ़िया दिख जाएगा अगर स्क्रीन पूरी क्लियर चलती है तो, ठीक है। और बस अपा कितने जल्दी दिखा रहे हैं, और हमारा एक लास्ट कमेंट है जो कवर करना है हमने, उसके बाद वीडियो का एंड। और वीडियो आज छोटी बनी हुई है, और इसमें मैंने छोटी नहीं बनी होगी, बड़ी बनी होगी, क्योंकि इसमें मैंने जो हरियाणा के दर्शन है वो हरियाणा के दर्शन ही है, हरियाणा की कल्चर है वो मैंने सारा दिखाया है। और कमेंट करके बता देना आपको लाइटिंग शो कैसा लगा और आज की वीडियो कैसी लगी। तो बाय नहीं करने वाला मैं, था लास्ट का मैसेज 146 नंबर शॉप कवर करनी, ये पीछे मेरे 146 है, इसको आपको बैक कैमरे से 46 अभी 146 आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, दिख गया, ओ दिख रहा है, 146 नंबर शॉप है, ठीक है। ये कमेंट आया था, और यहाँ पे आपको सूट मिलेंगे, ठीक है, सूट है, और यहाँ पे क्या रेट है क्या नहीं है वो मुझे पता नहीं, अभी ये कस्टमर है, ठीक है, 146। तो चलो वीडियो एंड करते हैं, भाई ने मैसेज किया होगा, पता नहीं किसने किया होगा, तो चलो वीडियो का एंड करें। 146 मैंने शॉप नंबर कवर कर लिया, 427 भी शॉप नंबर कवर कर लिया, 427 थी जो भी है। तो फ्रेंड्स बाइक में इस वीडियो में जो आपने बाइक देखी है उसके ऊपर पूरी डिटेल से वो टेक्निकल लवली मनी चैनल पे आपको उस पर ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो इतने काफ़ी है, और मुझे कमेंट करके बताना जो गुरदास मान सतेंद्र सरताज जी आएंगे जो मैं उसके ऊपर वीडियो जो बनाऊँ या ना बनाऊँ, अभी मेरा विचार नहीं है बनाने का, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, बहुत लाइटिंग होगी, जिसके कारण क्लियर कुछ भी दिखने वाला नहीं है। अगर पास मिल जाता तो क्लियर दिख सकता था,
तो आज के लिए इतने काफी है बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बाय, थैंक यू वॉच द वीडियो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये है चैनल मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप हर गीतेंद्र की वीडियो देख रहे हो, ये है टेक्निकल लवली मनी, बेसिकली मैं स्विमिंग बाय मनी चैनल पर स्विमिंग सिखाता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, थैंक यू वॉच द वीडियो।